हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम कंटेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, कहाँ पे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो लेट वी कंटिन्यू। सपोज नाउ यू आर गिवन अ प्रॉब्लम। लुक, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो मीन दे आर गिवन कॉम्पिटेटिव टू यू। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, देन यू हैव टू प्रूव ए इंटू बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए फॉर एवरी एन डेट इज अ नेचुरल नंबर। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ए इंटू बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए फॉर एवरी एन डेट इज अ नेचुरल नंबर। फाइन। तो बेसिकली हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नाउ डेट इज व्हाट आई नीड टू प्रूव वाया मीन ऑफ इंडक्शन। ये मेरे को वेरीफाई करना है। डेट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन, ये आपको गिवन है। तो पहली बात, तो लेट एन इक्वल टू वन। तो अगर आप यहाँ पे एन को वन फिल करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू बी पावर वन, बी पावर वन इंटू ए। इट इज बेसिकली नॉट हैपनिंग व्हेन वी आर हैविंग टू मैट्रिसेस ए एंड बी एट आर हैंड, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नेवर कॉम्यूटेटिव। बट बिकॉज नाउ यू हैव गिवन ए बी इक्वल टू बी ए, वी आर ओके विद डैट। मतलब यहाँ पे ये एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, विच इज ट्रू बिकॉज ऑलरेडी वी हैव गिवन ए बी यहाँ पे क्या है, बी ए के इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी ए। नाउ कमिंग टूवर्ड लेट, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। Then what will happen? That mean आपके पास यहाँ पे क्या है, what I can say a into b power k is equal to b power k into a, that is something with you, I can make use of that later on. अब हमने प्रूफ क्या करना है, finally we prove for n equal to k plus 1. तो for this we prove हम क्या प्रूव करेंगे, आप यहाँ पे n के प्लेस में k प्लस वन फिल करोगे। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, a इंटू बी पावर k प्लस वन इज इक्वल टू बी पावर k प्लस वन इंटू ए। नाउ डेट इज योर एम। ओके, ये हमने यहाँ पे इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखने में ये बड़ा आसान सा लगता है कि यह दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, बट यहाँ पे आपको बड़े केयरफुली चलना है। सपोज मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, इसको यहां पे इसके इक्वल प्रूव करना है। अब समझो यहां पे a इंटू बी पावर k प्लस वन, इज इट पॉसिबल आई राइट इट टू बी a इंटू बी पावर k इंटू बी। आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी विद दिस थिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करें, पावर एड होंगी, आई गेट सेम थिंग बैक। फाइन, जब ये काम किया, अब आप लोगों को ये पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, यू वर टोल्ड। तो व्हाट डज डैट मीन, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये है, तो अकॉर्डिंगली आई कैन रीशफल द पोजिशन ऑफ ब्रैकेट। लुक, मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट, ये जो आखिरी दोनों मैट्रिसेस के ऊपर है, इसको पहले दो पे लेके आ रहा हूं, तो पहले दोनों के ऊपर आप यहाँ पे ब्रैकेट को लेके आएंगे फिलहाल के लिए। तो व्हाट आर डन, ये हमने यहां पे एसोसिएटिविटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइन, तो जब आप यहां पे एसोसिएटिविटी को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको यहां पे ये सब कुछ मिल जाना है। अगला काम, जब आप यहां तक पहुंच गए, व्हाट इज ए इंटू बी पावर के इक्वल टू, ए इंटू बी पावर के इज इक्वल टू बी पावर के इंटू ए। तो कारण क्या है, आपने यहां पे एज्यूम किया है वंस अगेन गो अहेड विद एसोसिएटिविटी। तो अगर मैंने अब यहां पे एसोसिएटिविटी लगाया तो यहां पे क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट पहले दोनों पे अभी आखिरी दो पे चला जाएगा, तो डेट विल बिकम ए बी। ये आ गया आपके पास यहां पे, अगेन वाई एसोसिएटिविटी वी आर गेटिंग। बट देन वट इज ए बी इक्वल टू, ए बी इज गिवन इक्वल टू बी ए। तो कमिंग टूवर्ड बी ए,
फिल दिस वैल्यू राइट हियर, ओके, बिकॉज यहां पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, दैट इज वाई आई कैन डू इट. एंड देन फाइनली फाइनली अगेन गो एड विद एसोसिएटिविटी, तो ब्रैकेट विल कम ऑन बोथ ऑफ दीज, तो यहां पे क्या आएगा, बी पावर के इंटू बी इंटू ए. फाइन, तो वट डू वी गेट, अगर आप इसको सोल्व करेंगे बच्चे, बी पावर के प्लस वन इंटू ए इज वट वी आर गोइंग टू एंड विद. तो डेट इज हाउ यू विल बी वेरीफाइंग इफ इन केस यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम. मेक ए श्योर कि ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, ओके, ये कोई ना कोई आपके पास प्रॉपर्टी के कारण और बिकॉज ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट यू नो, लाइक ए बी इक्वल टू बी ए, ए इंटू बी पावर के इज इक्वल टू बी पावर के इंटू ए के कारण ही यहाँ पे आप इसको ड्राइव कर पा रहे हो, वरना पॉसिबल नहीं है. फाइन, देन कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड प्रॉब्लम, अगेन ऑन इंडक्शन. सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लेट अ मैट्रिक्स बी गिवन टू यू, ए आपको दिया गया ये, देन आप लोगों को प्रूव करने के लिए कहा जाता है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन इंटू आई एन इंटू ए पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए फॉर एवरी एन डेट इज अ नेचुरल नंबर एंड देन आई इज गिवन टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू. जो आई आपको दिया गया है ये आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है जिसका कि ऑर्डर यहाँ पे टू है. तो हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फिर इंडक्शन के जो थ्रू है वो प्रूव करना है. तो अगर आप यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू इसको वेरीफाई करना चाहते हो, लेट वी चेक व्हाट इज द वे हाउ वी कैन वेरीफाई इट. पहली बात तो वही, हम यहाँ पे एन को वन फिल करके देखते हैं. लेट एन इक्वल टू वन यहाँ पे फिल करके देखेंगे. तो अगर मैंने यहाँ पे एन को वन फिल किया, व्हाट आई विल गेट, ए आई प्लस बी ए पावर वन, यहाँ पे क्या आएगा, एन के प्लेस में वन, यहाँ पे एन के प्लेस में वन, ए पावर वन माइनस वन इंटू बी इंटू ए. तो व्हाट डज डेट बिकम, ये स्केलर है कोई भी रियल वैल्यू ए इंटू आई, यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो वन होता है, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस बी ए. तो बेसिकली क्या रहा है, ए आई प्लस बी ए पावर वन इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, ये ट्रू ही है, लाइक एक्स पावर वन इक्वल टू एक्स, ए आई प्लस बी ए पावर वन इन केस ऑफ मैट्रिसेस आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक, ये ट्रू है, आप इसको यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते. नाउ लेट रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के. हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपके पास यहाँ पे ट्रू है फॉर व्हाट, एन इक्वल टू के. तो अब आप यहाँ पे एन के प्लेस में के फिल कर दो, तो व्हाट डज दिस बिकम, एन के प्लेस में के ए पावर के इंटू आई, यहाँ पे के इंटू ए पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए, ये आ गया. तो ये हम बाद में जो है इसको यूजेस में लेके चलेंगे, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के. फाइनली वी विल प्रूव फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन. फाइनली वी प्रूव फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन. तो व्हाट वी प्रूव, तो वी प्रूव लुक एन के प्लस में के प्लस वन वहां पे फिल कर दो, यहां पे भी एन के प्लस में के प्लस वन, यहां पे भी एन के प्लस में के प्लस वन, यहां पे ए पावर के प्लस वन माइनस वन, तो यहां पे ओनली के इंटू बी इंटू ए इज समथिंग आई एम गेटिंग. फिर चेक कर लो, एन के प्लस में के प्लस वन, अगेन इन प्लेस ऑफ एन के प्लस वन, यहां पे सेम थिंग एंड देन के प्लस वन माइनस वन. तो मीन आप सम हाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू प्रूव दिस कॉम्प्लीट वैल्यू इक्वल टू दिस कॉम्प्लीट वैल्यू, डेट इज योर अल्टीमेट रिजल्ट वी नीड टू रीच फॉर, है ना. तो हम यहाँ पे इसके लिए बात करके चलते हैं बच्चे. शुरुआत करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड से. नाउ व्हाट इज कंटेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हियर
ये है. तो इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई इट नाउ आई कैन राइट इट टू बी ए आई प्लस बी ए होल पावर के इनटू ये लिखा हमने. तो पावर के प्लस वन को आप सप्लिट इट लाइक दिस पावर के इनटू वन. व्हाई? बिकॉज ये पूरा वैल्यू मेरे को पता है. वेयर इज दिस वैल्यू लाइंग? ये पड़ी है यहाँ पे. तो लेट वी फिल द वैल्यू राइट हियर. यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं. ये क्या बनेगा? ए पावर के इंटू आई के इंटू ए पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए. तो ये हमने वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे. इंटू क्या है? ए आई प्लस बी ए. ये है. तो व्हाट वी हैड डन सो फार, हमने ये जो यहाँ पे n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट एज्यूम किया था ट्रू, उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है. बाकी सब कुछ हमने वैसे रखा है. नाउ लेट वी सॉल्व इट फर्दर. अगर आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा? अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. बी वेरी केयरफुल. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा? ए पावर के प्लस वन. यू कैन चेक ए पावर के इंटू ए पावर के प्लस वन. देन यहाँ पे क्या आएगा? आई इंटू आई आई स्क्वेयर. अब चलते हैं आगे. प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए पावर के, ये रियल वैल्यू है. ये बी भी यहाँ पे क्या है? एक रियल वैल्यू है. तो यहाँ पे ए पावर के इंटू बी हो गया. आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए क्या है? आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, वो पड़ा वहाँ पे. तो मैट्रिक्स को अलग रखना है आपने, इकट्ठे रखना है, याद रखिए. अब चलते हैं आगे. प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्या आएगा? के ए पावर के माइनस वन इंटू ए पावर के. लुक, ए पावर के माइनस वन इंटू ए पावर के. यहाँ पे क्या पड़ा है? बी. देन यहाँ पे क्या है? कैपिटल ए. देन यहाँ पे क्या है? कैपिटल आई. एंड देन फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, के इंटू ए पावर के माइनस वन बी इंटू बी. यहाँ पे क्या बन गया? बी स्क्वायर. ए इंटू ए यहाँ पे क्या बन गया? ए स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पे इस फिलहाल के लिए इस पूरे को ए मान के रख लेते हैं. यहाँ पे इसको मैंने ए मान लिया. नाउ फ्यू थिंग्स जहां पे आपको फोकस करना है. सुनो, यहां पे आ जाओ. आई स्क्वायर का मतलब क्या है? आई इंटू आई. और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आपने आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई किया, यू विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक. चेक कर लीजिएगा बाद में अपने आप ही. फाइन. तो मतलब जो ये मेरे पास वैल्यू आएगा, ये पूरे का पूरा वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? आइडेंटिटी के एक ही आएगा इफ यू विल मल्टीप्लाई. तो मैंने आई स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया. अब चलते हैं यहाँ पे आई इंटू ए. ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था. चाहे तो आई इंटू ए हो या फिर ए इंटू आई, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, सेम मैट्रिक्स विल बी देयर. ए ही आएगा वापस. आप ये वेरीफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. यू कैन मल्टीप्लाई. आइडेंटिटी आपको पता ही है, ये है. ए आपको ये पता है, ए ये रहा. दोनों को मल्टीप्लाई करके वहाँ पे ए आएगा. डेट कैन बी चेक्ड. अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट कैन आल्सो बी रिटर्न. देन ये वैल्यू भी आ गई, आई इंटू ए. ए इंटू आई भी आ चुका है. रह गया यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर, जो कि मैट्रिक्स है. अब अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की बात की, ए स्क्वायर क्या है? ए इंटू ए. अब ए का वैल्यू क्या है? एड वी चेक. ये है ए का वैल्यू. ये ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे. तो व्हाट यू नीड टू डू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, ओके, आप इसको चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके. दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू जीरो हियर. ये यहाँ पे जीरो आएगी. आई होप कि मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट अभी तक आपको सभी को क्लियर हो चुके हैं. तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आ जाएगा. नल मैट्रिक्स बन रही है. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन नाउ, लुक, लेट वी फिल ऑल दिस वैल्यू राइट हियर. ये क्या आ गया? ए पावर के प्लस वन. आई स्क्वायर का मतलब क्या गया? आइडेंटिटी. यहां पे क्या गया? ए पावर के इंटू बी. आइडेंटिटी को ए के साथ किए, यहां पे क्या आएगा? ए आएगा. देन वहां पे चलते हैं, के इंटू ए पावर के इंटू बी ए इंटू आई. फिर क्या आएगा? कैपिटल ए. और ये पूरा वैल्यू तो यहां पे अब जीरो बन ही चुका है. क्यों? क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था? जीरो था. यू कैन चेक इट आउट. फाइनली व्हाट यू आर लेफ्ट विद नाउ, नाउ द थिंग्स यू आर लेफ्ट विद ए पावर के प्लस वन इंटू आई. एंड नाउ थिंग्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए पावर के इंटू बी इंटू कैपिटल ए. ये हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा? के प्लस वन. तो डेट इज वट वॉज आर एम. यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था. यू कैन चेक कि जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रू है.
ट्रू कब है, जब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है के प्लस वन, अगेन इट इज़ वन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स तो वर्दी ऑफ कमिंग इन बोर्ड एग्जाम्स, तो इसको अपना प्रॉपरली करके चलेंगे आप लोग। फाइन, तो ये है हमारे पास यहाँ पे इंडक्शन के साथ कंसर्न्ड अगला प्रॉब्लम। नाउ द फाइनल प्रॉब्लम इन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, अगेन वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यू कैन से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सपोज वी हैव बीन गिवन हियर लेट ए इक्वल टू यहां पे माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, देन यहां पे जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, देन आपने प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ डेट आई प्लस ए इट इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो लेट वी चेक इट आउट, इसको हम चेक करते हैं। अब मेरे को ये वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए काम करते हैं हम लेफ्ट और राइट दोनों को वन बाय वन यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं एंड वी विल चेक कि क्या वहाँ पे दोनों जगह पे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। लाइक अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, वट इज डेट आई प्लस ए, आई का मतलब आइडेंटिटी ये दे रखा है, ए ये भी आपको दे रखा है, तो ये ए आ गया आपके पास। वट आई नीड टू डू, एड करना है कोरस्पोंडिंग एंट्री एड कर दो, तो दे हैव बीन एडिट, चेक करो यहां पे वन प्लस जीरो, यहां पे वन जीरो में ये ऐड किया ये आ गया, ये ऐड किया यहां पे टेन अल्फा बाय टू, वन में जीरो ऐड किया वन, तो डेट इज योर लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया फिलहाल के लिए, वी डन अप टू हियर। अब मेजर पार्ट तो आपका राइट हैंड है जो कि आपने सोल्व करना है, ठीक है। अब राइट हैंड की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज आई माइनस ए हियर, अगर यहाँ पे i माइनस ए होता पहले ये निकाल देते हैं, ठीक है, फॉर राइट हैंड साइड पहले ये वैल्यू निकालते हैं, आपने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस जीरो क्या आएगा 1 आएगा, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, देन 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस जीरो यहां पे क्या आएगा 1, एंड नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस i माइनस ए विद दिस होल मैट्रिक्स हियर। अब हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर यहां पे क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, व्हाट इज दिस वैल्यू, वो बढ़िया वैल्यू वहां पे 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू 1, ये वैल्यू हमने, ये आई माइनस ए का वैल्यू जो हमने वहां पे निकाला वो हमने यहां पे फिल कर दिया, इनटू यहां पे क्या है इसको चेक करते हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, तो लेट वी मल्टीप्लाई टर्म्स हियर। अगर हमने यहां पे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, लुक ये पूरा रो ये कॉलम के साथ, तो यहां पे क्या आएगा कोस अल्फा, वेट ये यहां पे क्या बनेगा कोस अल्फा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आएगा साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। अब ये रो ये कॉलम लुक 1 इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टेन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा। अब ये पूरा रो इस कॉलम के साथ तो माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा, ये वन को साइन अल्फा के साथ किया साइन अल्फा, एंड फाइनली ये रो ये कॉलम के साथ तो माइनस माइनस यहां पे क्या बन गया प्लस, तो यहां पे क्या आएगा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस आगे क्या आ गया कोस अल्फा, वी रीच अप टू हियर। अब ये काम करने के बाद इसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए आपके पास यहां पे ऑप्शन क्या है, आप यहां पे
टेन को कन्वर्ट कर लो फिलहाल साइन और कोस में, लेट वी कन्वर्ट टेन प्योरली इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस एवरीवेयर। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, लुक पहले आपके पास यहाँ पे इस टर्म को उठा लेते हैं साइन अल्फा, टेन क्या होता है साइन पॉन कोस, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सुन लो, यहाँ पे जहां जहां पे टेन अल्फा बाई टू है आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है, ठीक है। आप कुछ मत करो, देखो यहाँ पे जैसे पहले कोस अल्फा, अब यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, और टेन अल्फा क्या होता है साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, ये आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो माइनस साइन अल्फा प्लस, अब टेन को फिर कन्वर्ट करो साइन पॉन कोस की फॉर्म में, इंटू यहां पे क्या आ गया कोस अल्फा आ गया। अब यहां पे चलो सेकेंड रो में क्या है, टेन क्या है फिर साइन अपॉन कोस, इंटू यहां पे क्या आ गया कोस अल्फा प्लस आगे क्या आ गया साइन अल्फा। अब चलते हैं यहां पे क्या आ गया साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई टू को कन्वर्ट किया तो यहां पे क्या आएगा साइन पॉन कोस आएगा फिर, तो इफ चेक्ड देर इज नथिंग डिफिकल्ट, ओनली थिंग यू आर डूइंग हियर यू आर रिप्लेसिंग टेन अल्फा बाई टू विद साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू एवरीवेयर, एंड नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द आर, हम यहां पे एलसीएम लेके चल रहे हैं, तो अगर मैंने यहां पे एलसीएम लिया तो यहां पे क्या आएगा चेक करो, यहां पे आ गया कोस अल्फा बाई टू, तो बड़ा विल गेट नॉलेटिव मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू। चलते हैं वहां पे क्या आएगा कोस अल्फा बाई टू, तो वो क्या बन गया, अब उसको चेक करो, अगर देखा जाए माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ये टर्म ऐसे पड़े हैं, यहां पे क्या आ गया साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा, रो में सेकेंड रो में क्या है वहां पे चेक करो माइनस साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, फाइनल वन। यहां पे भी आप एलसीएम लेके चलेंगे तो ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। नाउ एवरीवेयर यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, चेक इट आउट, कोस है कोस बी, साइन है साइन बी, लुक ये ए ये बी है, फाइन ये आपके पास यहां पे क्या है इट वॉज साइन अल्फा देयर, तो कोस है कोस बी साइन ए साइन बी, तो डेट विल बी कोस ऑफ ए माइनस बी अपॉन कोस अल्फा बाई टू। नाउ व्हाट इज दिस, लुक इसको चेक करते हैं, ये यहां पे क्या बनेगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बट यहां पे माइनस साइन है, चेक कर लो, लुक देखो यहां पे आप एक काम करना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए देन यहां पे क्या आ गया साइन बी, तो डेट विल बिकम साइन ऑफ ए माइनस बी, नाउ कमिंग अक्रॉस दिस पार्ट लुक सेम पैटर्न पे साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बट यहां पे क्या है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहां पे क्या आएगा ए के प्लस में क्या है अल्फा है, तो यहां पे अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन यहां पे क्या है कोस अल्फा बाई टू। अब इसको चेक करो फाइनली यहां पे क्या है, देखो ये क्या बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का मतलब क्या है कोस ऑफ ए माइनस बी, तो यहां पे क्या आएगा ये आपका ए हो गया ये बी हो गया, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी यहां पे क्या है कोस ऑफ ए माइनस बी, तो यहां पे कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन क्या आ गया कोस अल्फा बाई टू। तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद लेट वी चेक, अब इसको चेक करो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू क्या आएगा कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू,
ये क्या बनेगा, साइन माइनस अल्फा बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई टू, सॉरी अपॉन क्या है वहां पे, कोस अल्फा बाई टू। अब चलो यहां पे अल्फा में से अल्फा बाई टू गया तो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और यहां पे चलते हैं ये क्या आएगा, कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। तो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, दे विल गेट कैंसल, वन साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो यहां पे क्या बचा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, एंड व्हाट इज डेट, टेन अल्फा बाई टू। सेम पैटर्न पे साइन अपॉन कोस से यहां पे क्या टेन आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। एंड नाउ चेक कि क्या ये वही रिजल्ट है जो आपको वहां पे चाहिए था। लुक ए में वन माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू वन, एंड वी आर गेटिंग सेम थिंग बैक। तो दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, व्हाट यू नीड टू डू हियर, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में वन बाय वन वैल्यू फिल करेंगे, एंड देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यू हैव टू रीच अप टू द आंसर देयर। तो दैट इज वेयर वी आर एंडिंग विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अपकमिंग जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ बिगनिंग करेंगे। थैंक यू।